सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम यहां पर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द चैप्टर पैट्रियट फ्रॉम ट्रेजर ट्रोव ऑफ क्लास 10th आईसीएसई। सो वैसे अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपके यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा और अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द पोयम द पैट्रियट वॉज रिटन बाय, जो हमारी पोयम है पैट्रियट वो किसके द्वारा लिखी गई है, जो हमारी पैट्रियट पोयम है वो लिखी गई है द रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। कौन थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने हमारी पैट्रियट पोयम लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। द पोयम पैट्रियट इज द फॉर्म ऑफ, जो पैट्रियट पोयम है किस चीज का फॉर्म है, मतलब कि वो है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके फिर आगे देखो, आगे यहाँ पर लोग बात करते हैं, द पीपल विल बी पेड फॉर देयर मिसडीड बाय होम, मतलब जो पीपल ने जो व्यवहार किया था वो किसके द्वारा, मतलब उसकी किसके द्वारा किया गया था, वहां पर गॉड किसके द्वारा किया गया था, गॉड, पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, चिल्ड्रन पेस्ट। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो हमारा आंसर ए है, मतलब कि गॉड के द्वारा उन्होंने मिसडीड किया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर, इन द पोयम The patriot who was sitting at the window seat पे कौन बैठा हुआ था, The patriot who was sitting at the window seat, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा the young man, आंसर नंबर मतलब पॉइंट नंबर बी। तो जिसका पॉइंट नंबर बी है वो सही का आंसर हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर बी इसका चौथे का सही आंसर है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, द मेटल मिक्स्ड विच लिटरली डिवाइस इज यूज, मेंटल मिक्स है वो किसी भी पर्सन को पर्सनिफाई मतलब पर्सनिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का जो पॉइंट नंबर बी है मतलब ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, तो पॉइंट जिसने ऑप्शन बी दिया है उसके लिए थम्स अप। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वॉट डज द रोजेस सिग्निफाई इन द पोयम, जो रोज है उस पोयम में क्या किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, जो हमारा रोज है वो सिग्निफाई करता है कॉम्पेशन को, कॉम्पेशन को। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है उसका पॉइंट नंबर सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, अब आपको इसका आंसर कमेंट बताना है क्योंकि मैं आपको 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको चार होमवर्क दूंगा, हर स्लाइड से तीन तीन को एक एक क्वेश्चन, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो आपको होमवर्क है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको पता चल जाए, तो अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं कमेंट में जाकर पिन कर दूंगा। ओके सो गाइस यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया नेम द फिगर ऑफ स्पीच, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो क्वेश्चन को देखो आप लोग ध्यान से लिखा हुआ, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे, मतलब जो लाइन बताई गई रोजेस रोजेस ऑल द वे, इसमें कौन सी मतलब इसमें कौन सी जो वो यूज की गई, क्या यूज किया गया, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है उसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखो बी मतलब मेटाफोर जो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो मतलब जो इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे यहाँ पर मेटाफोर यूज किया गया है। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रेप, यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रेप, मतलब क्वेश्चन नंबर एट में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है मेटाफोर, स्मिली, पर्सनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, तो जिसका सही आंसर है वो है हमारा मेटाफोर। ओके तो जो मेटाफोर है ये इसका सही आंसर है। फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नाइन की तरफ, लिखा हुआ सॉरी गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, गाइस मोबाइल लेने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देन लिखा हुआ व्हाट डज द सन सिग्निफाई इन द पोयम, जो सन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो जो हमारा सन है वो सिग्निफाई करता है ए पावर एंड डोमिनेंस, बी डेंजर, सी हीट एंड अ गिफ्ट फ्रॉम पीपल, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है उसका सही आंसर हो जाएगा पावर एंड डोमिनेंस, मतलब हमें शक्ति देता है और हमारी इच्छा बताता है, पावर एंड डोमिनेंस क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, जिसने भी ये बताया है उनके लिए थम्स अप। देन वी हैव कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई हैड पीपल गैदर्ड हियर बिफोर टू वेलकम, हाँ तो जो पूरे लोग हैं वो क्यों इकट्ठा हो जाते थे एक साल पहले, वो इसलिए इकट्ठा हो जाते थे ताकि वो लोग जो पैट्रियट है उनका स्वागत कर पाए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी आंसर ए सही किया है, आंसर ए चूज किया तो उसका सही आंसर हो जाएगा थम्स अप, मतलब उसका ए वाला जिसने चूज किया उसके लिए थम्स अप। देन वी हैव अ व्हाई हैव द पीपल गैदर्ड द नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूटिंग द पैट्रियट अवार्डिंग हिम वेलकमिंग हिम फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, तो यहाँ पर जो
पीपल जो है नेक्स्ट ईयर क्यों मतलब गेदर इकट्ठा हो रहे थे, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका पहला पॉइंट सही हो जाएगा। मतलब क्या? एग्जीक्यूटिंग द पैट्रियट ऑप्शन यहाँ पर सही है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। वेयर हैड द पीपल गेदर्ड अ ईयर अगो एट देयर हाउस रूफटॉप्स एट सैम्बल्स गेट एट द स्कैफोल्ड एंड बोथ बी एंड सी। मतलब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 वहां पर व्हाट हैड द पीपल एक साल पहले वो क्या कहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, एट सैम्बल्स गेट एट स्कैफोल्ड एंड एट द देयर हाउस रूफटॉप, मतलब वो अपनी छत पर खड़े होते थे। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए चुना है उनके लिए थम्स अप, तो ऑप्शन ए नंबर सही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा, हु हैव गेदर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, हु वेयर हैव द पीपल गेदर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर वो लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल वो लोग कहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, एट देयर हाउस रूफटॉप, नहीं वो पिछले साल इकट्ठा हो रहे थे अपनी छतों पर, लेकिन अब किस साल वो, डी मतलब कि पॉइंट नंबर बी एट सैम्बल्स गेट एंड पॉइंट नंबर सी एट द स्कैफोल्ड। इसका सही आंसर तो होगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, क्योंकि बी एंड सी लोग जो है सैम्बल्स गेट जहाँ पर फांसी लगाने का रास्ता दिया जाता है, जहाँ पर फांसी लगाई जाती है उसे बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड और सैम्बल्स गेट पर लोग इकट्ठा हो गए थे अगले साल। देन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वेयर द पीपल डूइंग ऑन द रूफटॉप, लोग रूफटॉप पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो ये आपको कमेंट में बताना है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, द ऑडिटरी इमेज इन द पोयम इज, ऑडिटरी इमेज क्या है पोयम में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है, तो उसका आंसर हो जाएगा डांसिंग, सिंगिंग, रिंगिंग द चर्च बेल, थ्रोइंग स्टोन्स एट पैट्रियट। ऑडिटरी इमेज जो होती है वो जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्यों सी है, क्योंकि देखो लोग जो चर्च का बेल है उसे बचाते थे, ना कि पत्थर तो उसके उस पर अगले साल फेंक रहे थे, लेकिन पिछले साल जो लोग उसके लिए स्वागत के लिए चर्च की बेल बजा रहे थे। ओके यहाँ पर हमारे जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को चूज किया उसके लिए थम्स अप, वो सही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, यहाँ पर हम लोग अभी बहुत मेहनत से एमसीक्यू लाते हैं ताकि आप लोग पढ़ पाए, कहीं से भी जाए लेकिन लाते आपके लिए इकट्ठे करते हैं एमसीक्यू ताकि आप लोग समझ पाए। उसके बाद हु वाज द सिटिंग एट द विंडो से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वहां पर कौन बैठा हुआ था, प्रिजनर्स, डिजीज वंस, चिल्ड्रन, नोबडी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका बी, जिन लोगों को पैरालाइज हो चुका था वो लोग बैठे हुए थे, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर जो बीमार लोग थे, डिजीज लोग थे वो बैठे हुए थे क्वेश्चन नंबर 16 में, जिन्होंने बी ऑप्शन चूज किया उनके लिए थम्स अप। फिर आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द थीम ऑफ द पोयम द पैट्रियटिज्म, जो हमारी पोयम है द पैट्रियट उसकी थीम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेवरी एंड डिवोशन, मतलब यहाँ पर बहादुरी और जो उनके उन्होंने जैसे कार्य किया उसके लिए जो यही थीम है थी पैट्रियट पोएम की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ब्रेवरी एंड डिवोशन। देन यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, लिखा पढ़िए ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है रेन एक्ट्स एज अ नेगेटिव एजेंट एज इट क्रिएट्स अ सीन ऑफ सीयरफुलनेस, अ सीन ऑफ मिजरी, वर्क्स इन ड्रैगिंग द मोरल ऑफ द पोएम, बोथ बी एंड सी। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बताना है कि यहाँ पर नेगेटिव एजेंट क्या थे, अ सीन ऑफ सीयरफुलनेस, अ सीन ऑफ मिस्ट्री, वर्क्स इन द चेंजिंग द मोड ऑफ द पोयम एंड बोथ बी एंड सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो वहाँ पर मतलब जो थीम थी पोयम का मूड भी बदल रहा था, वहाँ पर मिस्री भी सीन भी बदल जा रही थी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सी है, जैसे ही पोयम का मूड बदला और सीन बदली मिस्री की, वहाँ पर हमारी पोयम मतलब वो नेगेटिव टाइम था, तब तो उसको पोयम पैट्रियट को मार पड़ने लगी थी, उसको सताया जाने लगा, लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द वे ऑफ लाइफ, पाथ, रेन, रोसेस एंड सन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि जो रास्ता है वो लाइफ के मतलब जो पार्ट है वो सिग्निफाई करता है द वे ऑफ द लाइफ। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, ओके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, द नेम द लिटरली डिवाइस यूज इन द हाउस रूफ सीम्स टू हीव एंड स्वे। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 20 का आपको आंसर खुद से बताना है, इसी वजह से मैंने इसका आपको आंसर नहीं बताया। सो गाइस यहाँ पे यहाँ से होते हैं हमारे द पैट्रियट के एमसीक्यू खत्म। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर दो, हम लोग यहाँ पर आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।